हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच की मैं बात बता रहा हूं, जहां पर एक विशेष केस की सुनवाई के दौरान माननीय हाई कोर्ट महोदय ने कहा कि क्या नाम है, जैसे उसमें होता क्या है, रात का समय होता है, एक 46 वर्षीय व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था और रास्ते में एक गाड़ी खड़ी होती है और क्योंकि गाड़ी खड़ी होती है, वो गाड़ी क्या नाम है, बीच रास्ते में खड़ी होती है और क्या नाम है, वो गाड़ी जब खड़ी होती है तो वो भी मतलब बिल्कुल उसकी लाइटें भी नहीं जल रही होती हैं, जो डीपर होता है वो भी नहीं जल रहा होता है और वो क्या नाम है, उस गाड़ी से टकराने के बाद में बहुत ज़्यादा चोट आता है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है तो जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है उसको 10 लाख रुपये तक मुआवजा देने की बात होती है, बट हाई कोर्ट में इसको बढ़ाने के लिए, ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी बढ़ाने के लिए 10 लाख तक उसको मुआवजा देने की बात होती है, लेकिन हाई कोर्ट में भी उसको बढ़ाने की मांग की जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में जब ये पटीशन डाला जाता है तो क्या होता है, जो हाई कोर्ट होता है उसको 39,51,000 के समथिंग मुआवजा कर देता है और कहता है, उसमें बताया जाता है कि क्या नाम है, एक्चुअली वो ज़्यादा स्पीड में था। तो उसमें जहाँ तक देखें, अगर हम बात करें जो केंद्रीय परिवहन कानून होता है उसके 1989 होता है, उसमें अगर हम ध्यान देते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से जो गाड़ी खड़ी करके पार्क करके रखता है रोड पे, वही जिम्मेदार होता है और कोर्ट भी उसको क्या करता है, हर तरफ से दोषी ठहराता है और मुआवजा की रकम देने के आदेश देता है। कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो जो गाड़ी खड़ी होती है, जो पार्क होती है, जैसा कि जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 है कि नियम 109 में अगर ध्यान दें तो वहाँ पे भी अगर कोई गाड़ी पार्क की जाती है तो उसका जो हेडलाइट होता है, जो डीपर होता है, वो हमेशा जलती रहना चाहिए ताकि उससे किसी और का एक्सीडेंट ना हो पाए। इन बातों का अगर ध्यान में दिया जाए और इस पर काफ़ी विचार करता है माननीय हाईकोर्ट महोदय, बॉम्बे हाईकोर्ट और औरंगाबाद बेंच करता है, उस पर यही निष्कर्ष निकलता है कि देखो 10-15% 20% मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं तो मान लेता हूँ कि जिम्मेदार है, बट बाकी जो जिम्मेदारी मतलब उसमें 75% 80% जो जिम्मेदारी, जो भागीदारी होती है वो गाड़ी खड़ा करने वाले की होती है कि गाड़ी तो खड़ा करता, बस उसका जो डीपर होता है, जो उसकी लाइट होती है वो बंद होती है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार होता ही होता है। कहीं ना कहीं से वो जो 46 वर्षीय व्यक्ति होता है जिसको सुबह 10 बजे की बात होती है, 10 बजे जाकर टकरा जाता है गाड़ी से, और चूँकि उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी भी होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उसको घर भी चलाना होता है, घर में और लोग होते हैं, इसलिए जो मुआवजा होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो मैं इस वीडियो को देखने वाले को सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, जब भी गाड़ी आप पार्क करते हैं किसी टाइम, दिन रात कहीं भी करते हैं, तो जो उसकी लाइट होती है कृपया उसको जला के रखें, ताकि और ख़ासतौर पर जो अगर चालू रोड है मेन रोड पर या कहीं और या सर्विस रोड पर, तो वहाँ पर ऑन रखें ताकि फिर किसी का कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। और नॉलेज रखिए, अवेयरनेस फैलाइए और दुर्घटनाओं से हमेशा बचिए। तो फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।